मेरे हाथ में है MI नोट 7। अब नोट 7 की कुछ बातें हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप 2024 में उसको सेकेंड हैंड परचेस करना चाहते हो तो क्या रहेगी इसकी प्राइस, क्या फीचर्स रहने वाले हैं और क्या इम्पोर्टेंस है ये फ़ोन की, उसके बारे में हम थोड़ी बात करने वाले हैं। आज शॉर्ट वीडियो रहेगा तो वीडियो के अंदर देखते रहिए। तो गाइस, नोट 7, नोट 7 प्रो एंड नोट 7S बैक साइड पे देखने के लिए तो सबके सब एक जैसे ही है, लेकिन यहाँ पे प्रो में मिलता है 48 मेगापिक्सल का कैमरा, नोट 7 में मिलता है 48 मेगापिक्सल का कैमरा और वही नोट 7S में मिलता है 32 मेगापिक्सल का कैमरा। फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरे भी माइनर से अल्ट्रा वाइड एंगल में थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो तीनों के तीनों मॉडल में डिस्प्ले सेम टू सेम लगती है, बैक पैनल सेम टू सेम आता है, फिंगरप्रिंट सेम आता है, बैटरी सेम आता है। मदरबोर्ड की बात करें, मदरबोर्ड में चिपसेट में थोड़ा बहुत डिफरेंट आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि CPU, प्रोसेसर और कैमरा की बात करें, कैमरे तीनों के तीनों डिफरेंट में है। नोट 7 और नोट 7 प्रो में भी आप दोनों को में 48 मेगापिक्सल का कैमरा तो देख सकते हो, लेकिन दोनों कैमरे आपको एक दूसरे के फ़ोन में नहीं चला सकते। बाकी का सभी मटेरियल आपको एक दूसरे के फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी अगर आप इंस्टॉल करो तो, बॉडी तीनों के तीनों में सेम टू सेम देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम इसके प्रोसेसर की। नोट 7S में थोड़ा प्रोसेसर डाउन आपको मिलता है, नोट 7 प्रो में बहुत ही अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है। हालांकि गेमिंग के मामले में अभी ये डिवाइस आपके कुछ काम का नहीं है, लेकिन आप अगर यूट्यूब के लिए अगर सस्ते दाम में परचेस करना चाहते हो, अगर आपको कहीं पे मिल रहा है 4,500 या 5,000 तक ये नोट 7 प्रो या नोट 7S, तो आप इसको परचेस कर सकते हो 4,500 से 5,000 तक, आपको अच्छी कंडीशन में मिल सकता है। 4GB 64GB, 4GB 128GB और 6GB 128GB का मॉडल आपको मिल जाता है। 6 GB और 64 GB का भी मॉडल आपको मिल जाता है। काफ़ी अच्छा डिवाइस है, परफॉर्मेंस आपको नेक्स्ट लेवल अभी भी मिल सकता है। और बात करूँ इसको प्राइमरी फ़ोन की तरह यूज़ करने में, तो प्राइमरी फ़ोन की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा मिलता है। हालांकि आपको ज़्यादा कुछ ग्रिप देखने को नहीं मिलती, बाकी कैमरा क्वालिटी आपको नॉर्मली यूट्यूब वीडियो शूट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर आप लो बजट का वीडियो बना रहे हो, मतलब कि आपका स्ट्रगल टाइम चल रहा है, अगर नोट 7 आपको मिल रहा है 48 मेगापिक्सल का, तो आप इसको परचेस कर सकते हो। स्ट्रगल टाइम में भी ये डिवाइस बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा, आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। अगर आप लोगों के पास है नोट 7 प्रो तो कमेंट कीजिए कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। हालांकि इसमें अभी सॉफ्टवेयर अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं इसी तरह के वीडियोज़, यूजफुल वीडियोज़ रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ।